Hello and welcome everybody to our channel Myra Study Point. So today we are going to start our economic chapter Theory of Consumer Behavior and Equilibrium. Okay, so in this video you will get all the concepts cleared of your chapter, okay, as well as all the important topics, points and each and every part of this chapter is covered in this video. So without wasting further time, let's start with this. So first of all, what is consumer? Consumer होता क्या है? Consumer एक individual होता है जो decide करता है कि उसको क्या buy करना है, क्या commodity buy करनी है जो उसको maximum satisfaction दे, जो उसको satisfaction दे उसकी needs का. ठीक है, for example आपको कुछ buy करना है, आप वो buy कर लेते हो और आपको satisfaction मिल जाती है, वो होता है consumer. ठीक है, then आता है utility. Utility होती क्या है? यूटिलिटी वो एक अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है जो हमें गुड्स को कंज्यूम करने के बाद मिलती है. फॉर एग्जांपल हमने कोई गुड्स बाय करे, कुछ कुछ कंज्यूम करे, उसके बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो यूटिलिटी होती है. अब यूटिलिटी भी दो टाइप्स की होती है, कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जब हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो हम नंबर्स में मेज़र कर सकें. टोटल यूटिलिटी सम होता है, जितनी भी यूटिलिटी हम डिराइव्ड करते हैं ना सारी कम्युनिटीज़ की कंजप्शन से, जो भी हमें टोटल में जो यूटिलिटी मिलती है, जो भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, टोटल सेटिस्फेक्शन, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. और मार्शल यूटिलिटी क्या होती है? मार्शल यूटिलिटी एक एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हमें एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी को कंज्यूम करने पर मिलती है. ठीक है, एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन बोल सकते हो आप. इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्शल यूटिलिटी. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये जो रिलेशनशिप है ना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, हम एक टेबुलर फॉर्म और ग्राफ के थ्रू समझेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक मैंगो लिया. ठीक है, आपने एक मैंगो कंज्यूम किया, आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल 30 है. आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम 30. ओके, आपकी टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी पता है आपको, आपको ये तो पता है ना टोटल यूटिलिटी होती क्या है. टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, तो टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिला है. ठीक है, एक यूनिट कंज्यूम करने से. ऐसी मार्शल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिला है. ऐसे ही जब आप एक मैंगो के बाद दो मैंगोज कंज्यूम कर लोगे तो क्या होगा, आपकी टोटल यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपने ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर ली. बट ऑन द अदर हैंड मार्शल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी. वो डिक्लाइन क्यों होगी? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आपको भूख लग रही है, ठीक है, आप बहुत हंग्री हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो, तो आपने क्या किया, एक मैंगो खा लिया. ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हुआ? थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ही तो कम हुआ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल. आपने एक मैंगो खा लिया तो आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल गई, मतलब मार्शल यूटिलिटी अभी मैक्सिमम, मतलब अभी आपके पेट में बहुत जगह है. मार्शल यूटिलिटी मतलब ये समझ लो अभी आपके पेट में बहुत जगह है, तो अभी आप और खा सकते हो. तो अभी आपने दो मैंगोज खा लिए, अब आपकी सेटिस्फेक्शन थोड़ी और कम हो गई. ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन और कवर हो गई तो आपके पेट में जगह अब थोड़ी कम रह गई. ठीक है, क्योंकि आपने दो मैंगोज खा लिए तो आपकी मार्शल यूटिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि आपको अब कम भूख लगती है. ऐसे ही आपने 5 मैंगोज खा लिए, आपकी मार्शल यूटिलिटी और कम हो गई क्योंकि अब आपको और कम भूख लग रही है. अब एक पॉइंट आया जब आपने 6 मैंगोज खा लिए, आपका पेट एकदम हो गया फुल, आप उसके ज़्यादा और खा ही नहीं सकते हो, आपका पेट एकदम फुल हो गया, आप कुछ भी इनटेक नहीं कर सकते, तो आपकी मार्शल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, मतलब अब कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर कुछ खाने की. ठीक है, आपकी मार्शल यूटिलिटी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई. ओके, फिर क्या करा, अगर आप बाय चांस उसके बाद भी खा लेते हो, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला खा लो खा लो, आपने फोर्सफुली खा भी लिया, तो क्या होगा? अब आप तो आपका पेट तो टमी तो फुल हो गया था, अब आपको क्या होगा? वॉमिट हो जाएगी. वॉमिट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आपको वॉमिट हो जाएगी. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? अब जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ खा लोगे तो आपको क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चल जाएगी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? जाएगी माइनस में चल जाएगी. और जो आपकी टोटल यूटिलिटी थी वो कम होने लग जाएगी क्योंकि आपने जितना डाला था उसमें से तो निकाल दिया ना, कम हो गई आपकी यूनिट्स. ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी तो माइनस में ही चली जाएगी क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन उससे कुछ नहीं मिल रही, आपके उल्टा डिससेटिस्फाई हो गया. समझ आए आपको ये वाला कंसेप्ट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का? एक बार मैं पढ़ देती हूँ. जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करती रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी जैसी ज़ीरो ही तो टोटल यूटिलिटी वहाँ पे मैक्सिमम होती है, वो उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती. ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चल जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि हम उससे ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर ही नहीं सकते. फाइन, ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ स्टेट क्या करता है? डैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन. मतलब जितना ज़्यादा ज़्यादा हम कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी उतनी उतनी डिक्लाइन होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी.
इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं। क्या क्या एग्जम्पशंस हैं? कि जो यूटिलिटी होगी वो हमेशा यूनिट्स में मेजर्ड होगी। ये हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। और वो किस में होता है? नंबर्स में मेज़र होता है। तो बस सिंपल वही पॉइंट है, जो यूटिलिटी होगी वो नंबर्स में मेज़र होगी, यूनिट में मेज़र होगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मनी की, इनकम की, प्राइस की, हम सब की सेम रखेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे, ओके। जो कंजप्शन होगी वो आइडेंटिकल यूनिट्स में होगी, ओके। और जो कंजप्शन होगी वो कंटिन्यूस होगी। कंटिन्यूस मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने आज मैंगोज खाए और अभी आप कल मैंगोज खाते हो इतना टाइम गैप के बाद, और फिर आप देखते हो कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी तो कमी नहीं हो रही, तो ऐसा तो होगा ही नहीं ना। आपको जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी मार्जिनल यूटिलिटी देखने के लिए, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट अगर आप इतना टाइम गैप रख देते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि एक बात खुद ही सोचो ना, अभी आपका पेट फुल है, अभी आप कुछ खा लोगे, ठीक है। अभी आपका पेट सॉरी फुल नहीं है, अभी आपको भूख लग रही है, अभी आपने कुछ खा लिया, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई, अभी आप कुछ नहीं खाते हो, फिर आप कल खाओगे, ठीक है, कल भी आपको भूख लग रही है, आपने थोड़ा और खा लिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम थोड़ी होगी। अगर आप कंटिन्यूस कंजप्शन करोगे तभी मार्जिनल यूटिलिटी पे अफेक्ट आएगा। तो कंजप्शन हमारी कंटिन्यूस होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करता है? डेट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द गुड्स इन सच अ वे दैट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। वो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या समझ आ रहा है? इक्वल, इक्वल होनी चाहिए, ये समझ आ रहा है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो कंज्यूमर है वो अपनी मनी इनकम गुड्स के बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना लास्ट रुपी से, ठीक है, हर एक गुड पे जो स्पेंड करेगा वो लास्ट रुपी उससे भी उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये नहीं कि उसको बस थोड़े से पैसे बचे और उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी और उसने इतने स्पेंड कर दिए उसको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा। तो हमें उस हिसाब से अपना अपना वे बनाना चाहिए कि हमें कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर करना है जिससे कि हमारी सेटिस्फेक्शन हमें हाईएस्ट मिले, ओके। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? कब होता है? जब उसकी इनकम और मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग वो अपना एक्सपेंडिचर ऐसे प्लान करेगा गुड्स पे कि जिससे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसके जितनी उसकी इनकम है और जितना प्राइस है मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का, अब वो उन सबको ध्यान में रख के इस टाइप से अपना एक्सपेंडिचर मेंटेन करेगा, इस टाइप से प्लान करेगा कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम मिले, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केस आते हैं। पहला आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कॉमोडिटी केस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कॉमोडिटीज केस। सिंगल कॉमोडिटी में क्या होता है कि अ कंज्यूमर परचेज अ सिंगल कॉमोडिटी विल बी इन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो सिंगल कॉमोडिटी परचेज करेगा। कब होगा? जब वो ऐसी कोई क्वांटिटी कमोडिटी की बाय करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, मतलब उसको मैंगोज खाने हैं, वो उतने मैंगोज परचेज करेगा जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन एकदम मैक्सिमम मिले उसको, ठीक है। एंड वन पॉइंट इसमें और है, एक पॉइंट और है इसमें कि वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के इक्वल होगी, ठीक है। ऐसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ टू कमोडिटीज़ में क्या होता है? जब वो दो कमोडिटीज़ परचेज करता है इक्विलिब्रियम में, कब करता है? जब वो अपनी लिमिटेड इनकम इस वे में स्पेंड करता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कमोडिटीज़ से मिली होती है ना, और जो प्राइस होते हैं दोनों कमोडिटीज़ के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ओके। सो इस अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले ये अप्रोच किसने दिया है? प्रोफेसर एलन एन हिक्स ने। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी यूटिलिटी होती है सेटिस्फेक्शन, वो कभी भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र नहीं होगी, मतलब नंबर्स में मेज़र नहीं होगी। वो हम ऐसे कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, जैसे कि हमें मोर यूटिलिटी मिली है, फिर लेस यूटिलिटी मिली है, या फिर सेम यूटिलिटी मिली है, मतलब इस वे में कंपेरिजन करेंगे रेदर देन इन यूनिट्स, ओके। इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो इंडिफरेंस कर्व होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। किसकी होती है? इंडिफरेंस सेट की। इंडिफरेंस सेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज शो करते हैं, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व हमें क्या शो करता है? दो कमोडिटीज़ की डिफरेंट कम्बिनेशन जो कंज्यूमर परचेज करेगा और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसको मैंगोज़ और एप्पल चाहिए, अब अगर उसने 5 मैंगोज़ ले लिए और 1 एप्पल ले लिया तो उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको एप्पल्स भी बहुत सारे खाने थे और उसको मैंगोज़ भी बहुत सारे खाने थे। तो वो इस कम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। ऐसे इंडिफरेंस सेट क्या होता है? वो क्या होता है? कम्बिनेशन ही होता है दो गुड्स का, ठीक है, जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है। बट वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है इंडिफरेंस सेट, और इंडिफरेंस कर्व एक कर्व फॉर्म में होता है। और इंडिफरेंस मैप क्या होता है?
इंडिफरेंस मैप सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व होते हैं. क्या होते हैं? बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व के सेट होते हैं जो वेरियस इनकम लेवल्स को, कंज्यूमर की वेरियस इनकम लेवल्स को मैप पे शो करते हैं. जैसे आपके पास बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बने होंगे मैप में, ठीक है. जो सबसे ऊपर होगा, एक कर्व के ऊपर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, हमें हायर लेवल प्रिडिक्ट करेगा. वो हम उससे पता चलेगा कि अच्छा ये हायर लेवल वाला है, इसमें मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस कम्बिनेशन पे, ठीक है. ऐसे ही हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंस कर्व की. हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली क्या है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ देखो, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो ये कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट स्लोप कर रहा है, ठीक है. इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये क्या है, ओरिजिन से. ओरिजिन क्या होता है, ये जो ओ दिख रहा है ये ओरिजिन है, यहाँ से कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर सकते. हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जो इंडिफरेंस कर्व एक के ऊपर है वो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है. जो ऊपर ऊपर है वो ज़्यादा ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे. इंडिफरेंस कर्व नाइदर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे, ठीक है. अब आता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करते हैं लेफ्ट से राइट में, ठीक है. हम इनको अदर वर्ड्स में बोलें कि तो क्या होता है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं. क्या होते हैं, ये नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड एक्स विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ वाई. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमें नेम में ही पता चल रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है. सब्सटीट्यूट मतलब जब हम एक चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए. जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था सब्सटीट्यूशन गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, राइट. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS में भी यही होता है. जब हम क्या करते हैं, जब कंज्यूमर एक गुड्स, फॉर एग्जाम्पल मैंगो की यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो मैंगो की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस कर देगा जिससे कि वो एप्पल्स की थोड़ी ज़्यादा यूनिट्स ले सके, ठीक है. इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ये लॉ क्या स्टेट करते हैं, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम देन द कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑफ वाई. मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम मैंगोज को कंज्यूम करेंगे उतने कम से कम हम वाई को सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है. अगर एक गुड्स हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब दूसरे गुड्स को कम से कम सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है. और एक चीज़ और होती है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है MRS का जो कर्व होता है वो कंटिन्यूसली फॉल होता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर बजट. कंज्यूमर का बजट क्या होता है, बजट हमें वो परचेजिंग पावर शो करता है. इट रिफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की परचेजिंग पावर होती है कि मतलब उसके पास इनकम कितनी है और वो कितना परचेज कर सकता है, ठीक है. डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स में वो कितना परचेज कर सकता है, कौन सा कम्बिनेशन परचेज कर सकता है. ऐसे ही बजट सेट क्या होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं, ठीक है, उनके प्राइस दिए होते हैं, इनकम होते हैं, फिर कंज्यूमर को उसमें से जो बेस्ट कम्बिनेशन होता है उसके लिए वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है. बजट लाइन क्या होती है, इट इज़ द लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ये लाइन बहुत सारे पॉसिबल कम्बिनेशन दो गुड्स के शो करती है, और अगर इस लाइन से बाहर जाएंगे तो वो जो कम्बिनेशन होगा वो कंज्यूमर की रेंज से बाहर होगा, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकता. और जो इस लाइन के अंदर वाले जितने भी कम्बिनेशन हैं वो सारे वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है. बजट लाइन एक कंज्यूमर के लिए लाइन होती है जिसके बाहर वो परचेज नहीं कर सकता. So here all the topics are covered in this chapter. You can go through each and every topic from this video. Okay, and please like, share and subscribe our video and push the bell icon for daily updates. Thank you.